नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं शेफ पंकज पहाड़ी और आज मैं बनाऊंगा चिकन लॉलीपॉप। तो आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग रेसिपी चिकन लॉलीपॉप की, हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होल चिकन से विंग्स को सेपरेट करेंगे, उससे लॉलीपॉप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये होल चिकन है और इसकी साइड की जो विंग्स है, पहले मैं इसको इसे कट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक नाइफ की सहायता से इस विंग्स को चिकन से सेपरेट कर लूँगा। फिर मैं इसको बीच से, इसकी जो बोन होती है उसको हाथ से हम उसको ब्रेक करेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने बीच से तोड़ देना है और इसके दोनों पार्ट को डिवाइड कर लेना है। अब हम इसकी बोन को रिमूव कर लेंगे। बीच से नाइफ की सहायता से मैं इसको कट कर लूँगा। साइड की पंखुड़ी भी हमने कट कर लेनी है और इसको मांस को इस तरीके से हमने प्रेस कर लेना है, उसकी हड्डी से अलग करके। इससे भी सेम करूँगा, इसको पीछे प्रेस कर लेने का। तो इस तरीके से हम चिकन विंग से लॉलीपॉप को रेडी करते हैं। अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन और इसका मसाला हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने अदरक और लहसुन लिया हुआ है, इनको हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो लहसुन एंड अदरक हो गए फाइन चॉप। अब साथ ही हम चॉप करेंगे ग्रीन चिली, मैंने दो ग्रीन चिली लिए, इनको भी चॉप कर लेंगे। अब एक डिप बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे चिकन लॉलीपॉप। अब इसमें ऐड करेंगे कट के हुए ग्रीन चिली, अदरक एंड लहसुन। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा सिजवान सॉस, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और थोड़ा इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर। अब इन सबको मैं अच्छे से कर लूँगा मिक्स। अब हम इसको मैरिनेशन में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चलो तब तक इसका रेडी करते हैं बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने एक स्पून मैदा डाला है, उसमें दो स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है एक डिप बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, पेपर, इसमें ऐड किया मैंने हाफ एग और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अंडे से अच्छी सी कोटिंग होती है। अब इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे पानी और इसका एक गाढ़ा हम मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इसका जो मिक्सचर, जो बैटर बनेगा वो थिन नहीं रखना है, हल्का सा गाढ़ा रखना है। तो इसको हम विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगा ऑयल। ऑयल किसी भी बैटर में चिकन को अंदर से सॉफ्ट करता है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया हुआ है और मैदा तो ये बाहर से क्रिस्पी करता है, तो अंदर से हल्का सा जूसीला और सॉफ्ट रखने के लिए हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। तो ये हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी, ये आप देख सकते हैं। अब कलर के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चिल्ली ऑयल, आप चाहो तो फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से कर लूँगा मैं मिक्स। ये हमने बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा सा और मैं इसमें चिल्ली ऑयल ऐड करूँगा और एक टीस्पून मैंने इसमें सिजवान सॉस ऐड किया है। अगर आपने सिजवान सॉस की रेसिपी नहीं देखी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसी बैटर में हम मिक्स कर लेंगे मैरिनेटेड चिकन लॉलीपॉप। ये आप देख सकते हैं, लुक्स ब्यूटीफुल। और इन सबको अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। काफ़ी बेहतरीन स्टार्टर है चिकन लॉलीपॉप। अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो ऑयल हमारा हीट है, मीडियम हीट पे हमने इसको डीप फ्राई करना है। एकदम ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाहर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगा
चिकन लॉलीपॉप और इसको हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। एक बार हम लॉलीपॉप को चेक करेंगे, देखते हैं हमारा लॉलीपॉप का कलर। वाओ इट्स नाइस। इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे और इसको सर्व करेंगे सिजवान सॉस, हॉट गार्लिक सॉस या केचप के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो चिकन लॉलीपॉप इज़ रेडी नाउ। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।